प्यारे बच्चों, आज जो है हम हिंदी में पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 6 का नाम है डमरू और भूरा। ठीक है, जैसा कि आपको ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पे ये जो है ये दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टोरी है। लेट अस रीड द स्टोरी। एक कबूतर था, उसका नाम डमरू था। एक कबूतर था, ये कबूतर है ना, इसका नाम क्या था? डमरू। एक चूहा उसका मित्र था, एक चूहा उसका फ्रेंड था, ये चूहा है, जिसका नाम भूरा था। चूहे का नाम भूरा हो गया और कबूतर का नाम डमरू। डमरू को डाली पर झूलना अच्छा लगता था। जो डमरू था कबूतर, उसको डाली के ऊपर झूलना बहुत अच्छा लगता था। और वह गुटर गूं, गुटर गूं, कबूतर की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? गुटर गूं, गुटर गूं। तो वो गुटर गूं की आवाज़ लगाता था। कहाँ पे बैठ के? पेड़ के ऊपर बैठ के। भूरा भी खूब उछल कूद मचाता था। जो चूहा था भूरा, वो भी खूब उछलता कूदता था। वो कैसी आवाज़ निकालता था? वह ची ची चू चू करता रहता था। ये चूहे की जो है साउंड है, और ये किसकी थी? कबूतर की, गुटरगू। एक दिन सूरज निकला और डमरू दाना ढूंढने के लिए उड़ा। एक दिन सूरज निकला मतलब दिन हुआ, और डमरू जो है कबूतर, वो दाना ढूंढने के लिए उड़ा, अपने जहाँ वो पेड़ पे रहता था, बैठा था, वहाँ से उड़ा, पर दाना ना मिला। वो ढूंढने तो गया था, लेकिन उसको कुछ, कोई भी खाने के लिए कुछ भी दाना नहीं मिला, कोई भी दाना नहीं मिला। तभी उसे बहुत सारा दाना एक जगह पर दिखाई दिया। उसके बाद अचानक क्या होता है, उसे बहुत सारा दाना जो है गिरा हुआ ज़मीन पर दिखाई देता है। डमरू खुश हुआ। डमरू कबूतर जो होता है ना, उस दाने को देख के बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे ज़ोर से भूख लगी हुई होती है। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। दाना चुगकर डमरू ने उड़ने की कोशिश की। डमरू कबूतर था, उसने क्या किया? सारा दाना चुग लिया और फिर उसने खा लिया मतलब, और उसने उड़ने की फिर वहाँ से कोशिश की खाने के बाद, पर उड़ ना सका। वो वहाँ से उड़ नहीं पाया। क्यों नहीं उड़ पाया? क्योंकि वहाँ शिकारी का जाल बिछा था। क्योंकि एक शिकारी ने दाना डाला हुआ था कि यहाँ पे कबूतर या कोई भी वो आएगा और उसको मैं अपने जाल में फंसा लूँगा। तो वहाँ शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था, नेट डाला हुआ था। डमरू जाल में फंस गया था, और डमरू जो है दाना चुगते चुगते जब वो उड़ने की कोशिश किया उसने, तो उस जाल में वो फंस गया, ट्रैप हो गया। डमरू चीखा, गुटर गूं, बचाओ बचाओ। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गया कि मुझे कोई बचाओ, गुटर गूं की और आवाज़ निकालने लग गया। दूर तक उसकी आवाज़ गूंजी, उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक गूंजी, सुनाई दी। भूरा डमरू की आवाज़ पहचान गया। जो भूरा था चूहा, ठीक है, उसने उसकी आवाज़ गूंजती हुई सुन ली। भूरा चू चू करता कूद कूद कर वहाँ पहुँच गया। वो कूद कूद कर जल्दी से आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ पहुँच गया, अपने दोस्त के पास। उसने कुतर कुतर कर सारा जाल काट दिया। उसने देखा कि उसका दोस्त मुसीबत में फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। उसने अपने दांतों से उस जाल को कुतर कुतर कर काट डाला। डमरू उड़ गया, और डमरू आसानी से जाल कटने के बाद उड़ गया, ये उड़ गया देखो। भूरा ताली बजा बजा कर उछला। भूरा जो चूहा था वो बहुत खुश हुआ, वो ची ची चू चू, वाह 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 वाह। डमरू और भूरा खुश होकर साथ साथ घर की ओर चल दिए। वो दोनों खुश हुए, ठीक है, उसने जाल काट दिया तो कबूतर भी उड़ गया और वो उछल कूद करने लग गया, उछल कर वो भी खुश हो गया, और वो
ताली बजाने लग गया और दोनों साथ में अपने घर की ओर चल दिए। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों, कि जो ए फ्रेंड इंडीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, सॉरी अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब जो हमारी मुसीबत में या हमारे कोई हम किसी ट्रबल में होते हैं जब हमारी हेल्प करता है तो वही हमारा रियल फ्रेंड होता है। सो अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, इसका मतलब यही है जो मुसीबत में हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र या सच्चा फ्रेंड होता है। चलो बच्चों, अब जो है हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं जो कि पेज नंबर 41 पे है। अभ्यास, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। ये आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको रीड करना है और राइट इसमें ट्रू और फॉल्स सही गलत बताना है। कबूतर का नाम डमरू था, यस कबूतर का नाम डमरू था ना, ये सही है, सही का चिन्ह लगा देंगे। ख, भूरा खूब उछल कूद मचाता था, भूरा कौन था, चूहा, चूहा उछल कूद मचाता था ना, यस दिस इज राइट। ग, भूरा जाल में फंस गया, भूरा फंसा था जाल में, नहीं भूरा तो जो है चूहा था, डमरू जो है कबूतर वो जाल में फंस गया था, तो ये रॉन्ग है। प्रश्न दो, उत्तर पूरे करो, आपको इसके उत्तर पूरे करने हैं। क है डमरू क्या खा रहा था, क्या खा रहा था डमरू, डमरू डैश खा रहा था लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, डमरू दाना खा रहा था, पूर्ण विराम। ख, डमरू किसमें फंस गया, डमरू किसमें फंस गया था, डमरू जाल में फंस गया, वो नेट में फंस गया जाल में। ग, जाल किसने काटा, उसके दोस्त ने काटा था ना, जाल भूरा ने काटा, भूरा कौन था, चूहा, जाल भूरा ने काटा, पूर्ण विराम लगाते हैं हम आंसर के बाद। ये उत्तर है इन सब के और ये प्रश्न थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड, चित्रों के नाम लिखो। इसमें बेटा आपको चित्र देखने नाम लिखना है। पहला है हमारा क्या है, झूला, झ बड़े उ की मात्रा आएगी इसमें, झूला। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये चूहा। ओके, सो यू हैव टू रीड देम, यू हैव टू फिल इट इन योर बुक एंड यू हैव टू लर्न। ओके,